इस कहानी की शुरुआत में हमें सेम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी दोस्त हेजल के साथ मिलकर वीडियो बना रही होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से पीछे लगे बैकग्राउंड में सितारे सेम के ऊपर घिर जाता है और हेजल सेम से कहती है कि तुम तो बहुत ही बदनसीब हो। फिर हेजल सेम को अपने कमरे में ले जाती है। असल में वो दोनों समरलैंड नाम के अनाथ आश्रम में रहते हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। हेजल उसे एक बॉक्स दिखाती है जिसमें बहुत सारी लकी चीजें रखी होती है। हेजल सेम से कहती है कि ये सारी लकी चीजें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ जिससे मेरा लक बेस्ट से भी बेस्ट रहता है। सेम उसे देखकर खुश होती है। हेजल बताती है कि वो ये चीजें हमेशा अपने साथ रखती है और फ्राइडे को उसे उसकी नई फैमिली लेने आएगी। लेकिन उस डिब्बे में एक जगह खाली होती है, वो जगह एक लकी सिक्के के लिए खाली होती है। हेजल सेम से कहती है कि मेरे जाने से पहले तुम मेरे लिए एक लकी सिक्का ढूंढ लेना। तभी अनाथ आश्रम को संभालने वाली रिवेरा वहाँ आती है और कहती है कि सेम तुम्हारे जाने का वक्त हो गया, क्योंकि सेम अब 18 साल की हो गई थी इसीलिए अब सेम वहाँ नहीं रह सकती और किसी ने उसे एडोप्ट भी नहीं किया होता क्योंकि उसका लक खराब होता है। इसीलिए अब उसे अपनी जिंदगी खुद जीनी थी, इसीलिए वो सेम को वहाँ से जाने को कहती है और सेम उसे कहती है कि क्या वो हेजल के जाने तक वहाँ रुक सकती है। लेकिन रिवेरा सेम को मना कर देती है और सेम हेजल को गले लगाती है और हेजल सेम को लक की सिक्का लाने को बोलती है। सेम भी उस सिक्के को आने का वादा कर देती है और सेम वहाँ से चली जाती है। उसे वहाँ एजेंसी से एक बुढ़ी औरत लेने आती है। सेम कार में बैठती है, उसमें एक डिब्बा रखा होता है जिसमें उसके बचपन का सामान होता है। वो डिब्बे को खोलती है और देखती है कि उसमें एक फोटो रखी है। वो फोटो उसके बचपन की होती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब वो अपने गोल लेने वाले माँ बाप का इंतजार कर रही होती है लेकिन कोई भी उसे लेने नहीं आता और सोचती है कि वो कितनी बदनसीब है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो लोग एक घर पहुंच जाते हैं और सेम वहीं रहने लगती है। लेकिन उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता और बाथरूम से लेकर ब्रेकफास्ट करने तक उसके साथ कुछ भी सही नहीं होता। जैसे तैसे वो जॉब के लिए घर से निकलती है मगर उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। सेम उसे ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन टूल खराब हो जाता है। सेम जैसे तैसे जॉब के लिए पहुंच जाती है, वो एक सुपरमार्केट में काम करती है। सेम हर काम को ठीक से करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता, सारा सामान इधर उधर गिर जाता है। जॉब का पहला दिन खत्म हो जाता है और सेम एक सड़क के किनारे बैठी होती है और सोचती है कि उसके साथ सब गलत ही होता है। सेम सैंडविच खा रही होती है तभी वो देखती है कि एक बिल्ली उसके पास आकर बैठ जाती है। सेम उस बिल्ली को अपना आधा सैंडविच खाने को देती है। उस बिल्ली का नाम बॉब होता है। बॉब सैंडविच खा रहा होता है और सेम बॉब को अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है और ये भी बताती है कि उसको हेजल के लिए लकी सिक्का भी ढूंढना है। फिर बॉब सैंडविच खा के चला जाता है तभी सेम देखती है कि उस जगह पर कुछ चमक रहा है। जैसे वो पास से देखती है तो उसको पता चलता है कि एक सिक्का है। सेम उसे उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। जैसे ही सिक्का उसके पास आता है सब कुछ अच्छा होने लगता है। वो टाइम से उठ जाती है, उसका टोस्टर काम करने लगता है और बाकी सब भी बहुत अच्छे से होने लगता है। फिर सेम उस सिक्के का टेस्ट करती है क्योंकि उसको लग रहा था शायद ये सब उसका वहम है। फिर सेम ये टेस्ट एक टोस्ट पे करती है और टोस्ट को इधर उधर फेंकने लगती है लेकिन टोस्ट ना तो गंदा होता ना कहीं गिरता है। सेम को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये लकी सिक्का है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर सेम ये सिक्का हेजल को देने का सोचती है। उसके बाद हेजल का कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। सेम फिर जॉब के लिए जाती है जहाँ उसके सारे काम बढ़िया होने लगते हैं। सेम बाथरूम जाती है और अपना सिक्का बाथरूम में लगे डेस्क पर रख देती है। जैसे वो सिक्का दूसरी जगह रखती है वैसे सब कुछ फिर से खराब होने लगता है और सेम को धक्का लगता है और वो सिक्का उछलकर ऑटो फ्लश में गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो बाथरूम में फ्लश हो जाता है। उस सिक्के को खोने के बाद सेम फिर से उदास हो जाती है और उसी सड़क पर आकर अपने आप को कोसने लगती है। तभी सेम देखती है कि वो वापस आता है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और उसी समय सेम बड़बड़ाती है कि मैंने वो लकी सिक्का फ्लश में गिरा दिया। ये बात सुनते ही बॉब हैरान हो जाता है और सेम से कहता है कि क्या तुमने उसे फ्लश में गिरा दिया। बॉब को बोलता देख सेम घबरा जाती है और उसे पूछती है कि तुमने अभी बोला। बॉब डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सेम उसका पीछा करती है ताकि वो बॉब से एक और लकी सिक्का ले सके। फिर सेम काफी दूर तक बॉब का पीछा करती है और बॉब एक जगह कुछ कंप्यूटराइज कर रहा होता है तभी एक बड़ा सा हरे कलर का दरवाजा उस जगह पर खुल जाता है और उसके अंदर चला जाता है। सेम भी उसके पीछे पीछे उस दरवाजे में चली जाती है। उसका पीछा करते हुए सेम एक दूसरे डायमेंशन पहुँच जाती है जो एक अलग लैंड होता है। यहाँ पर इंसानी दुनिया के लिए अलग बनाया जाता है। बॉब सेम को
को देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, और उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि लकलैंड में इंसानों के आने की मनाही थी। सैम बॉब को समझाती है कि उसे बस एक और लकी सिक्का चाहिए और अगर उसे वो मिल गया तो वहाँ से चली जाएगी। बॉब उसे समझाता है कि मेरे पास एक ही सिक्का था जो तुमने खो दिया, और ये हमारा ट्रेवल कॉइन होता है क्योंकि हम लकलैंड के लोग दूसरी दुनिया में लकी नहीं होते। लकलैंड सुन के सैम हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे लेप्रिकॉन आते हैं। बॉब सैम को छुपने को बोलता है। असल में वो दोनों लेप्रिकॉन बॉब को चेक करने आए थे। तभी बॉब उनसे जेरी के बारे में पूछता है तो लोग उसे बताते हैं कि जेरी की जरूरत लकी सिक्के बनाने वाली जगह पेनी डिपोर्ट में थी, इसीलिए वो वही है। फिर वो लोग बॉब से उसका ट्रेवल कॉइन जमा करवाने के लिए मांगते हैं, लेकिन बॉब कहता है कि मैं खुद अपना कॉइन जमा करवा दूंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सैम उन दोनों की बातें सुनकर बॉब से पूछती है कि क्या तुम मुझे लकी सिक्के बनाने वाली जगह से एक सिक्का दे सकते हो। बॉब उसको समझाता है कि इंसानों की जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सैम उसे कहती है कि मुझे सिक्का अपने लिए नहीं बल्कि एजल के लिए चाहिए, इसीलिए एक सिक्का मुझे दे दो फिर मैं चली जाऊंगी। बॉब कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे वो सिक्का यहाँ जमा करना है, उसका क्या किया जाए। तो सैम उसे एक बटन देती है और कहती है कि अभी के लिए इसको उसमें डाल देना। बॉब पहले इसके लिए नहीं मानता और कहता है कि वो समझ जाएंगे कि ये क्या है, लेकिन सैम कहती है कि हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा दूसरा कॉइन लाने का। फिर बॉब सैम से कहता है कि ठीक है डील करते हैं, सिक्का मिलते ही तुम चली जाओगी। सैम कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। अब बॉब सैम को बताता है कि हम सिक्के बनाने वाली जगह पर कैसे पहुंचेंगे। रास्ते में जहां बॉब को अपना सिक्का देना होता है वहां पर वो पहले किसी तरह सैम को अंदर भेज देता है और बटन डालने के बाद खुद भी अंदर आ जाता है। उसके बाद बॉब सैम को जेरी के लॉकर तक ले जाता है और उसे जेरी के कपड़े पहना देता है ताकि किसी को ये पता ना चले कि सैम एक इंसान है। सैम अपने कपड़े बदल लेती है। तभी उन दोनों को वहाँ दो छोटे बोने मिलते हैं। वो सैम को देखकर पूछते हैं कि काफी बड़ी है, तो बॉब बहाना बना देता है कि ये लेटविया से है इसीलिए बहुत लंबी है, वहाँ के लोग लंबे होते हैं। और फिर वो दोनों सिक्के बनाने वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। बॉब सैम को अपने पीछे आने को कहता है, लेकिन सैम के बैड लक की वजह से उसके साथ सब कुछ उल्टा होता है और वो गिरते पड़ते वहाँ तक पहुँच जाती है। बॉब उसे जेरी से मिलवाता है और वो जेरी से कहता है कि आज इसका पहला दिन है तो क्यों ना तुम इसे काम समझा दो। जेरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमको बस सिक्के लेने हैं, उनको साफ करना है और वापस रख देना है। अब जेरी और सैम सिक्के बनाने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सैम पूरी कोशिश करती है कि वो वहाँ से एक लकी सिक्का ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसके हाथ वही बटन लग जाता है जिसके कारण सब इधर उधर हो जाता है और वहाँ पे चेक करने वाली पुलिस आ जाती है। सैम के बाहर आने के बाद बॉब उनसे कहता है कि देखा तुमने सब खराब कर दिया, अब हमें कोई भी लकी सिक्का नहीं मिलेगा। सैम उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो बटन मेरे हाथ आ जाएगा। फिर बॉब उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया और वो बटन कैप्टन के पास चला गया, और अगर कैप्टन को पता चल गया तो हम मारे जाएंगे। और वो सैम को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन सैम मना करती हुई कहती है कि लकी सिक्का लाने का कोई और भी रास्ता होगा। बॉब कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी जेरी उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और कहता है कि किसे चाहिए लकी सिक्का। तभी सैम जेरी को सब कुछ सच सच बता देती है। जेरी सब सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि अगर कैप्टन को इसके बारे में पता चल गया तो बॉब को बेडलक वाली जगह भेज देगी। सैम पूछती है कि बेडलक वाली जगह भी है या फिर जेरी उसे बताता है कि इस दुनिया का नीचे का हिस्सा बेडलक है। अब हम देखते हैं कि कैप्टन पुलिस के साथ वहाँ चेक करने आती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सैम पूछती है कि कोई और रास्ता नहीं है लकी सिक्का लाने का, और अगर इंसानी दुनिया में लकी सिक्का खो जाए तो क्या उसे ढूंढा नहीं जा सकता। तो जेरी उसे बताता है कि ढूंढा जा सकता है। ये बात सुन के बॉब हैरान हो जाता है क्योंकि बॉब को ये पता नहीं था। अब सैम जेरी से पूछती है कि आखिर कैसे। जेरी उन्हें बताता है कि मिनी रेबिट ड्रोन से हम उसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन काफी टाइम से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसके लिए हमें एक लकी क्रिस्टल लाना होगा और सिक्योरिटी रूम से उस रेबिट ड्रोन को उसके जॉयस्टिक से कंट्रोल करना होगा। आगे जेरी कहता है कि पहले हमें लक फ्लोर से क्रिस्टल लाना होगा। और वो तीनों क्रिस्टल लेने चले जाते हैं। तब वहाँ जेरी सैम को गुड़ला कैसे बनाया जाता है ये बताता है। अब वो लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ क्रिस्टल को क्लोर से बनाए जाते थे। तभी मैनेजर बेब वहाँ हमेशा की तरह क्रिस्टल बनाने से पहले अपने काम करने वालों के पास आती है और सब देख कर चली जाती है। जाते वक्त तो सैम को देख लेती है। सैम जेरी और बॉब रेबिट ड्रोन
उनके लिए एक क्रिस्टल लेने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जेरी क्रिस्टल लेकर रैबिट की तरफ जाता है और सेम बॉब कंट्रोल रूम जाते हैं। तभी रास्ते में सेम बॉब से कहती है कि लक्की सिक्का तुम्हारे लिए और वो क्रिस्टल में हेजल के लिए ले जाऊं। तो इस पर बॉब उसे बताता है कि क्रिस्टल ऐसे काम नहीं करता। क्रिस्टल को काम करने के लिए उसे चुरा करने वाली मशीन रेंड माइजर में ले जाना होता है। उसके बाद वो तुम्हारी दुनिया में अचानक काम करती है। सेम कहती है कि अच्छा, इसका मतलब कि उन पर किसी का भी नाम नहीं लिखा होता। बॉब बताता है कि इसीलिए इस मशीन को रेंड माइजर कहते हैं। ये गुडलक को ऊपर से और बेडलक को नीचे से लेता है और फिर तुम्हारी दुनिया में भेजता है। सेम उसे पूछती है कि बेडलक कौन बनाता है। बॉब उसे कहता है कि बेडलक में रहने वाले लोग बेडलक बनाते हैं। वही जेरी रैबिट ड्रोन तक पहुंच जाता है और बॉब को बताता है। बॉब और सेम भी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। बॉब और सेम देखते हैं कि वहां पर काम करने वाले रैबिट पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं। सेम कहती है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, मगर बॉब उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम बहुत बदनसीब हो, इसीलिए काम मैं करूंगा। और वो कंट्रोल रूम के एक कंप्यूटर पर बैठे रैबिट से बात करता है और कहता है कि वो देखो गाजर। जब रैबिट मुड़ के देखता है तभी बॉब उसका कीबोर्ड फेंक देता है और रैबिट को नया कीबोर्ड लाने को कहता है। फिर बॉब उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगता है और जॉयस्टिक से ड्रोन को कंट्रोल करने लग जाता है। बॉब को लगता है कि अगर वो कंट्रोल करेगा तो सिर्फ उसकी स्किन पर नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो ड्रोन पूरे कंट्रोल रूम में दिखने लगता है, जिससे सब कुछ बिगड़ने वाला होता है। कि तभी सेम उस रूम के अंदर आती है और गाने और नाचने लगती है, जिसकी वजह से सारे रैबिट का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। इसके बाद में बॉब जेरी के बताने पर काम करने लगता है और वो लोग उस लक्की कॉइन को ढूंढ लेते हैं। असल में वो लक्की सिक्का इंसानी दुनिया के गटर में मिलता है। रैबिट ड्रोन का काम पूरा होने के बाद बॉब और सेम बाहर निकलते हैं। तभी उनको कंट्रोल रूम पर एक खबर मिलती है, जिसमें कैप्टन सबको एक खबर देती है कि किसी बिल्ली ने अपना लक्की सिक्का नहीं लौटाया है और उसकी जगह बटन डाला है। जिस किसी ने भी ये काम किया है उसको बेडलक वाली जगह भेजा जाएगा। कैप्टन का शक बॉब पर जाता है। बॉब कहता है कि हमें जल्द ही वो सिक्का लौटाना होगा। तभी जेरी उनसे कहता है कि रैपिड ड्रोन सिक्का ले आया है। बॉब जेरी को जल्दी से वो सिक्का लेने को कहता है, लेकिन सिक्का और रैपिड ड्रोन गंदे होते हैं, इसीलिए जेरी कहता है कि उससे पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। लेकिन बॉब कहता है कि जल्दी करो इससे पहले कि वैक्यूम शुरू हो जाए। जब तक जेरी अपने ग्लव्स लेने जाता है तब तक रैबिट ड्रोन उस सिक्के के साथ वैक्यूम में चला जाता है। बॉब और सेम इसे डर जाते हैं, लेकिन जेरी उनसे कहता है कि उस सिक्के को ढूंढने का अभी भी एक तरीका है। वो बीचों बीच में फंसी होगी, यानी कि बेडलक और गुडलक के बीच में। बस हमें वहाँ की रक्षा रखने वाले जेफ से बचना होगा। सेम बॉब से जेफ के बारे में पूछती है तो उसे जेफ के बारे में कुछ नहीं बताता। बॉब और सेम बीचों बीच जाने के लिए निकल जाते हैं। सेम पूछती है कि बीचों बीच क्या है। वो उसे बताता है कि एक बेसमेंट जैसी जगह है। वो लोग एक लिफ्ट में घुस जाते हैं और बॉब सेम को बटन दबाने को कहता है। सेम बेडलक वाली जगह का बटन दबा देती है, जबकि उसे बटन बीच का दबाना होता है। इससे बॉब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें आई बी बटन दबाना था, यानी इन बिटवीन, और अभी तुमने बी एल यानी की बेडलक का बटन दबा दिया है। फिर बॉब सेम को लिफ्ट की दीवार पे खड़े होने को कहता है, क्योंकि बेडलक वाली जगह की ग्रेविटी उल्टी होती है। अब वो लोग बेडलक वाली जगह पहुंच जाते हैं और सेम लिफ्ट से बाहर आ जाती है। सेम वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेडलक जगह थी और लिफ्ट खराब हो जाती है और बॉब ऊपर जाने लगता है और सेम को बेसमेंट तक पहुंचने की जगह बताता है। लेकिन सेम थोड़ा ही सुन पाती है, लेकिन सेम को बॉब का बताया हुआ रास्ता थोड़ा सा याद आता है और वो जाने लगती है। लेकिन सेम वहाँ गुडलक की डच देखती है और सेम बॉब के बताए रास्ते से वापस बीचों बीच वाली जगह पर आ जाती है। बॉब सेम को उस जगह के बारे में बताता है और जेफ के बारे में भी। तभी जेफ वहाँ से आ रहा होता है और बॉब उसे देखकर छुपने को कहता है। सेम के पैरों में थोड़ी सी बेडलक की धूल लग जाती है। जब वो छिपती है तो जेफ उसे उस बेडलक की धूल से ढूंढ लेता है। सेम जेफ से उस बेडलक बनाने वाली मशीन के बारे में पूछती है। जेफ मशीन के बारे में पूरी जानकारी देता है। वही बॉब उस ड्रोन तक पहुँचने की कोशिश करता है। उधर जेफ बताता है की किस तरह से वो डस्ट चिपकती नहीं है और आसानी से रेंडम माइजर तक पहुँच जाती है। जेफ ने वो मशीन क्यों बनाई थी उस बारे में वो पूरी बात सेम को बताता है कि किस तरह बेब ने जेफ की जान बचाई थी जब वो पूरी तरह बेडलक से गिर गया था। लेकिन 4 महीने बाद बेब छोड़ के चली गई थी। आगे वो बताता है कि बेब से वो बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो आए हुए कचरे के पास चला जाता है, जहाँ पर उसे बॉब मिलता है। बॉब उसे पूछता है कि क्या उसे उस कचरे में कोई रैबिट ड्रोन मिला। जेफ बताता है कि हाँ, मुझे मिला था। फिर बॉब जेफ से पूछता है कि क्या उसमें तुम्हें कोई सिक्का मिला।
मिला। जय बताता है कि हाँ उसे सिक्का मिला था और उसने वापस सिक्के बनाने वाली जगह पर भेज दिया। सैम और बॉब वापस ऊपर आ जाते हैं। सैम बॉब से कहती है कि वो बेब के पास जाएगी सिक्के को लेने के लिए। बॉब उसे कहता है कि वो जरा सा भी बेड लग सूंघ लेती है अगर उसे पता चला कि तुम इंसान हो तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन सैम कहती है कि वो संभाल लेगी। उसके बाद सैम थोड़ी सी बेड लग की धूल लेकर बेब से मिलने जाती है। जैसे वो बेब के पास पहुंचती है बेब को बेड लग की डश का पता लग जाता है और पुलिस को बुलाती है। वो देखती है कि वो बेड लग उस धूल की वजह से है। पुलिस उस बेड लग की धूल को ले जाती है। बेब और सैम बेड लग के बारे में बात करने लगते हैं। बेब बताती है कि बेड लग इतनी बुरी चीज है, जिसके पास भी बेड लग होता है वो हमेशा दुखी रहता है। सैम कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, बेड लग बहुत बुरी चीज है। बेब सैम को बताती है कि अगर उसके हाथ में होता तो उस दुनिया से बेड लग नाम की चीज ही मिटा देती। सैम कहती है कि हाँ ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, सब लोग खुशी से रहते, किसी की भी जिंदगी में दुख नहीं होता। फिर बेब सैम को बेड लग दूर करने के लिए वो लकी सिक्का दे देती है और उसे कहती है कि ये लकी सिक्का कुछ दिन अपने पास रखो, तुम्हारा बेड लग खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसे वापस कर देना। और वो अपने और जेफ के बारे में भी सैम को बताती है। सैम बेब से मिलकर बाहर आ रही होती है, तभी वो देखती है कि कैप्टन बॉब को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है और उसका पीछा करती है और उन्हें रोकती है और वो लकी सिक्का बॉब को दे देती है। बॉब कहता है कि वो बटन मैंने गलती से डाल दिया था, इसकी रिपोर्ट करने में जा रहा था, तब तक आपने मुझको गिरफ्तार कर लिया, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो लकी सिक्का बॉब कैप्टन को दे देता है और बाद में सैम से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वो सिक्का हेजल के लिए ले जाने वाली थी। सैम कहती है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डालकर हेजल को खुश नहीं कर सकती। बॉब सैम से पूछता है कि अब तुम खाली हाथ ही घर जाओगी। सैम बताती है कि वो घर नहीं जा रही। बॉब पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। सैम कहती है कि हम बेड लग बनाने वाली मशीन को 2 घंटे के लिए बंद कर देंगे, जब हेजल के एडॉप्ट करने वाले माँ बाप आएंगे और जब काम हो जाएगा तब उसको चालू कर देंगे। बॉब कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो लोग उस मशीन को बंद कर देते हैं और कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। बॉब सैम से पूछता है कि इससे आगे क्या होगा, तो सैम उसे बताती है कि इससे हेजल को हमेशा के लिए परिवार मिल जाएंगे। बॉब उसे पूछता है कि हमेशा के लिए परिवार मतलब, फिर सैम बताती है कि वो परिवार जो उसे कभी छोड़कर ना जाए। फिर बॉब सैम को स्क्रीन पे दिखाता है कि हेजल वेट कर रही होती है, ये देख के सैम खुश होती है। इसके बाद सैम जाने लगती है, तभी बेड लग वाली मशीन खराब हो जाती है और पूरा बेड लग उसमें से निकल कर पूरे गुड लग लैंड में फैल जाता है, पूरी जगह बेड लग हो जाती है। उसके बाद सैम देखती है कि हेजल के साथ कुछ अच्छा नहीं होता और जो उसको एडॉप्ट करने आ रहे थे वो नहीं आते। ये देखकर सैम परेशान हो जाती है और पूरी जगह को बेड लग से भरा हुआ देख सब परेशान हो जाते हैं। बेब कहती है कि बस थोड़ा सा गुड लक मिल जाता तो दोबारा गुड लक बना सकती है, लेकिन कोई भी गुड लक नहीं बचा था। बस इतने में बॉब कहता है कि मेरे पास एक लकी सिक्का है मगर वो भी बेड लक हो चुका था। तब जेरी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास एक और लकी सिक्का कहाँ से आया। बॉब सबको बताता है कि मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने एक और लकी सिक्का अपने पास रखा हुआ था। आगे बॉब बताता है कि बेड लक की वजह से उसने अपनी 8 जिंदगियां बेड लक वाली जगह पर गुजारी है। ये सुन के कैप्टन कहती है कि मुझे पहले से ही शक था कि हमारे जैसा नहीं है और रेंड माइजर बंद हो जाता है, जिससे गुड लक लैंड और इंसानी दुनिया का कनेक्शन टूट जाता है। सैम ये देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे घर जाना है। तभी सबको पता लगता है कि सैम इंसान है। बेब उसे बताती है कि अब थोड़ा सा भी गुड लक नहीं बचा है, अगर थोड़ा सा भी गुड लक होता तो हम गुड लक जगह को दोबारा बना सकते थे, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और सैम वहाँ बैठकर रोने लगती है और कहती है कि ये सारी गलती उसकी थी, लेकिन बॉब सैम को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी बदनसीब नहीं हो, तुम तो अच्छाई से भरी हुई हो, तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचती हो, बस यही तुम्हारी अच्छाई है। ये सुनकर सैम खुशी से रोने लगती है। फिर सैम बॉब से पूछती है कि सब कुछ ठीक करने का कोई तो जरूर रास्ता होगा। बॉब बोलता है कि हाँ अगर थोड़ा सा भी गुड लक होता तो हम ये बिल्कुल ठीक कर सकते थे, लेकिन अब इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। तभी सैम कहती है कि मैंने गुड लक देखा है, बेड लक वाली जगह पर थोड़ा सा गुड लक है। बॉब कहता है कि तुम पागल हो गई हो और अब तुम बेड लक वाली जगह जाकर वो गुड लक लेकर आओगी। सैम कहती है कि हाँ। फिर सैम और बॉब बेड लक वाली जगह पहुंच जाते हैं। बॉब उसे पूछता है कि तुमने वो गुड लक कहाँ देखा था। सैम बताती है कि एक ग्रीन सी लाइट थी, लोग उसके चारों तरफ घूम रहे थे और आग जल रही थी। आग सुनते ही बॉब कहता है कि वो तो एक ही जगह हो सकती है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉब को सब जानते थे। वहाँ वो लोग रूटी से मिलते हैं और उसको सारी बात बताते हैं कि गुड लक वाली जगह में क्या हुआ है। रूटी को लगता है कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, लेकिन सैम बताती है कि यह सब मेरी
मेरी वजह से हुआ है। रोटियों ने बताता है कि हाँ उनके पास में थोड़ी सी गुड लक है। जब मैं झाड़ू लगा रहा था तब यह पाइप में थोड़ी सी गिर गई थी जो मैंने उठा ली और मुझे लगा कि हमारे थोड़ी बहुत काम आएगी। और सेम वहाँ से गुड लक डस्ट और बेड लक डस्ट लेकर गुड लक वाली जगह आ जाती है। सेम बॉब और जेब बेब के पास आते हैं और उसको गुड लक डस्ट और बेड लक डस्ट देते हैं। बेब गुड लक डस्ट को दो क्रिस्टल में और बेड लक डस्ट को एक क्रिस्टल में बदल देती है। उसके बाद सब पूछते हैं कि उसने गुड लक क्रिस्टल दो क्यों बनाए। बेब कहती है कि अब इस दुनिया में बेड लक बिल्कुल नहीं होगा, अब वो बेड लक का नामो निशान मिटा देगी। और वो दोनों गुड लक क्रिस्टल लेकर रेंडम माइजर के पास चली जाती है। लेकिन ये बात सेम को अच्छी नहीं लगती और सेम बेड लक क्रिस्टल लेकर बेब के पीछे जाती है और बेब को समझाती है कि हमारे लिए गुड लक और बेड लक दोनों ही जरूरी है, अगर बेड लक नहीं होगा तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। वो समझाती है कि बेड लक इतना बुरा भी नहीं होता। वो आसपास देखती है कि बेड लक वाली जगह के लोग गुड लक वाली जगह की मदद कर रहे हैं। फिर सेम कहती है कि अगर बेड लक ना होता तो तुम अपने प्यार से नहीं मिल पाती जो तुम्हारे साथ है। आगे सेम बेब को बेड लक का असली मतलब समझाती है कि दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों होने चाहिए। इतना समझने के बाद इस बात को समझ जाती है और एक जगह गुड लक क्रिस्टल और एक जगह बेड लक क्रिस्टल रख देती है और गुड लक वाली जगह फिर से पहले की तरह हो जाती है और गुड लक लैंड और इंसानी दुनिया का कनेक्शन दोबारा हो जाता है। अब एक बचा हुआ क्रिस्टल लेकर सेम और बाकी सब बेड लक वाली जगह रूट को देने आते हैं और उनका थैंक यू करते हैं। उसके बाद कैप्टन बॉब को उसका लकी सिक्का देती है, लेकिन बॉब अपना लकी सिक्का वापस कर देता है और सेम के साथ जाने का फैसला करता है। अब हमें एक साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एजल को एडॉप्ट कर लिया जाता है और वो खुश है और सेम ने बॉब को फोन दिलवा दिया है। एंड में सेम खुश होती है कि उसके बेड लक की वजह से ही उसे इतने अच्छे लोग मिले हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।